चीज करना पड़ता उसमें। सब चीज करना पड़ता है, कुछ भी फूल लाए हम, सब कुछ लाए हम, और कह रहे हैं सब प्लांटिंग गार्डनिंग मैंने की। सो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल राज्य अधिकारी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े कर रहे होंगे। सो आज का ब्लॉग है श्राद्ध से रिलेटेड। जो अभी श्राद्ध श्राद्ध लगे हुए हैं, तो आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध। सो अभी उसी की तैयारी हो रही है, सुबह से हम उसी की तैयारी कर रहे थे। अभी बज रहे हैं 9:30, सुबह का 9:30 हो रहा है। तो हमने खाना पीना सब बना लिया है, अब मैंने कहा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और चलो अंदर चलते हैं। अब कितनी तैयारी हो गई आपको दिखाते हैं। अभी पंडित जी भी आने वाले हैं, तो फिर पूजा वगैरह होगी, श्राद्ध होगी और श्राद्ध की तैयारी करते हैं। चलो ओ चलो चलो चलो। ये हमने बड़े के लिए मांस पीस दिए हैं और ये हमारी बन गई दाल और ये क्या है खीर। और अभी ये तेल रखा है पूरी के लिए और ये अभी सैलड के लिए मूली और क्या सेब काटा है। अब हम बनाएंगे पूरी और हमारा चावल भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, रायता भी तैयार है। क्या हो गया किचन का हाल आज। चलो अब हम बनाते हैं पूरी, फिर जब पूजा शुरू होगी फिर मिलते हैं। सुल्तान की बहन है, सुल्तान की तरह ही लगती है। बैठ जाना। नहीं, not interested। क्या खाएगी? खजूर खाएगी ले। बिल्ली तेरी मौसी। वो पूरी नहीं खा रही ना, तो मैं उसको ही दूंगी अब। खीर तो खाएगी। आजा ले, अब खीर तो खाएगी ले। दूध है, गंदी है। अब उसने खीर खा ली। बिल्लियों को दूध की बची है ना। हमने टीवी सही कराने को दिया था ना, तो बस आ गया। अब देखते हैं सही हो गया।
सही हो गया होगा, हो गया होगा। ये हमारे मैकेनिक है कद्दू। चलो चलो ये चल गया, चल गया, अभी ये भी लगेगा, अभी भी नहीं चल रहा। वीडियो करना चाहिए था। अच्छा सिग्नल आ गया, आ गया, आ गया। ठीक, हमारी टीवी सही हो गई, मैं गई थी ना इसलिए। देख लिया हमने टीवी, अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर का वेदर अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज सुबह तक तो बहुत हवा चल रही थी, लगा था बारिश होगी, बट अभी बारिश नहीं हो रही है। देखो कितना प्यारा वेदर है अभी। और अब स्कूटी अपनी जगह पे लग गई है, अब बाइक वाले और ईजा जा रहे हैं शुक्र बाजार के लिए। आज भी शुक्रवार है। ये देखो इन्होंने दरवाजा लगा दिया, मैं यहाँ से आई थी और वहाँ से आना गिर है। हम मेन गेट देंगे। ये देखिए हमारे फूल, हमारे छोटे छोटे गुलाब सब खिल गए। और ये देखिए कितना छोटा गुलाब है, मिनी रोज है। और वो हो रही है हमारी मजे थी रेड रोज। सो फाइनली सारी पूजा पाठ हो गई, श्राद्ध की पूजा हो गई। आपने देखा ही होगा श्राद्ध कितने अच्छे से पूजा, पूरी रीति रिवाज, जो भी रीति रिवाज से हर पूजा होती है वैसी श्राद्ध की पूजा भी करते हैं। और श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब यही है, जो हमारे पितर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, हम उनको पूछते हैं तिथि अनुसार, जो भी जिस दिन भी उनकी डेथ हुई होती है तो उसके अकॉर्डिंग एक डेट निकालते हैं, तो उनमें एक श्राद्ध करते हैं। अभी जो श्राद्ध चल रहे थे, श्राद्ध चल रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही अष्टमी नवमी या कभी भी आप ये तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करते हैं। और इसमें ये भी कहते हैं कि जब हमारा ये आजकल जो श्राद्ध चल रहे होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो पितर बन गए हैं, वो हमारे आसपास ही रहते हैं, उसके लिए उनको श्राद्ध दे के उनको अपनी तरफ से एक याद किया जाता है कि हम लोग आपका भी पूछते हैं, इसीलिए श्राद्ध को पूछते हैं। और आपने देखा ही, हमने सब चीज़ बनाया था, पूरी बड़ा अपना खीर सब्जी सब कुछ बनाया था, बट उसमें ये होता है कि प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालते हैं, सिर्फ टमाटर डालता है सब्जी में, दाल वगैरह इसमें छोंका ज़्यादा प्याज या आज का नहीं देते हैं। गाइस आपको आज का ब्लॉग मेरे ससुर जी का श्राद्ध था, मैंने वो छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आप लोगों को सही लगा होगा, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं मैंने उसी के अकॉर्डिंग एक ब्लॉग ये बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हर वीडियो में बोलती हूँ, आप लोग भी सुनते होंगे, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग राज्य अधिकारी ब्लॉग।